लटपो नहीं लटपो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। और मेरे साथ अभी यहाँ पे दो पेट्स जो कि है डॉगीज, एक है टप्पू और एक है जूली। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए। नहीं और ये है टप्पू, टप्पू ए टप्पू जूली ले जूली। क्या बोल रहा है टप्पू, क्या खाना है तुझे? हाँ क्या खाना है जूली, क्या खाना है तुझे? क्या खाना है? चिकन। बात तो सही है। अभी आ गए हैं दुकान पे, इनको कुछ देना पड़ेगा दोस्तों। आज इनको देते हैं थोड़ा सा मिठाई जो कि बतासे हैं, और दोनों को खिला के दुकान से बाहर भेज देते हैं, वरना ये जाने के लिए बिल्कुल ही मना करते हैं। चलो फिर टप्पू, आप जाओ जाओ बाहर, चलो जाओ खेलो बाहर जाओ। नहीं और यह है दोस्तों टप्पू, जिसने मिठाई खाने के बाद अभी आ गया है मेरे पास। और सुबह के करीब बजे हैं 10। इसका कहना है कि भाई आज कुछ नया चीज़ खिला, कुछ मटन वगैरह कुछ खिला। ये जाएगा ही नहीं जब तक नहीं खिलाया जाए। और इसी के साथ दोस्तों देखिए, ये आ गया है ऊपर, घर के अंदर आ गया है। और काफ़ी जिद करता है ये डॉग, और काफ़ी प्यारा है ये दोस्तों, पोमेरियन ब्रीड है। और इसी के साथ ये चिंटी, चिंटी भी काफी शैतानी है। टप्पू सुबह सुबह काफी दूर घूमने चला गया था, लगभग 1 किलोमीटर दूर अभी जस्ट आ रहा है, इसलिए इसके गले में छोटे छोटे कांटे जैसे दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे चिंटी दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि चिंटी है। और ये है चीनो, छोटा बच्चा चीनो। और चीनो आज कैमरे में पहली बार आ रहा है, इसलिए इसको लग रहा है कि कुछ खिलाने की चीज है। देखिए कैसा है ये। और लगभग हो गया है अभी 2 महीने का। और ये है चीनो, ए चीनो क्या चल रहा है रे? नहीं और इसी के साथ दोस्तों ये देख सकते हो आप यहाँ पे टप्पू के साथ बिल्कुल खेलने लग गया है अभी ये। और दोस्तों ये हो गया है अभी 50 दिन का लगभग। और ये है जूली, जूली को अभी सुबह सुबह बांधा था क्योंकि ये भाग जाती है। इसी के साथ इसको खोल देते हैं। और देखिए अभी ये जाएगी अपने बेटे के पास जो कि रोमी है, छोटा वाला रोमी है। ये आ गया है रोमी, और देखिए कुछ देर ये खेलेगा रोमी के साथ। और जूली भी काफ़ी प्यारी डॉग है, इसको हो गए दोस्तों 12 साल हो गए इसको। ये लगभग 2011 में लिया था हमने, 10-11 में। और इसी का बेबी छोटा है ये रोमी। और दोस्तों देखिए रोमी कैसा प्यार कर रहा है अपने मम्मी के साथ। बात तो सही है। और इसी के साथ दोस्तों ये है हमारी चिंटी जो कि काफ़ी प्यारी है, और इसको हो गए लगभग 1 साल की होगी है, और काफ़ी चूहे ढूंढ रही है ये। नहीं और दोस्तों इसी के साथ मैं रखता हूँ इनके लिए कुछ मटन। ये है मटन पाया, मटन के पैर। और ये हमने रखे हैं टप्पू और जूली के लिए। अभी हम इसको बारी बारी से खिलाएंगे जो कि काफ़ी पसंद है इनको, सुबह से काफ़ी मांग कर रहे हैं ये कुछ खिलाने के लिए। और इसी के साथ मैं इनकी कटोरी में ले गया। सबसे पहले सीनियर को खिलाते हैं जूली को, और फिर खिलाते हैं टप्पू को। और दोनों काफ़ी खुश हो गए हैं और आनंद के साथ यहाँ पे खाने लग गए हैं। और छोटा बेबी के लिए मटन तो है नहीं, उसके लिए छोटा सा ले जाते हैं, एक मटन का पीस दे दिया है उसको, और उसका कहना है मुझे बड़ा ही चाहिए। और ये चीनू शिकायत कर रहा है कि मुझे मटन चाहिए करके। और इसी के साथ ये मेरे पीछे भागते हुए, और इसको छोटा सा एक पीस खिला देते हैं। और ये तीन बड़े मज़े से खाते हुए दोस्तों काफ़ी आनंद आ रहा है इनको। बात तो सही है। और यहीं पे जूली अपना मटन का पीस लेके चली गई है नीचे, और जूली इस पे बिल्कुल बंटवारा नहीं चाहती है, इसलिए जूली चली गई है दूर। और यहाँ बच गए हैं टप्पू, और बच गया है छोटा डॉग बेबी। और अभी दोनों को खिला के हम ले जाते हैं दोस्तों, छोटा सा एक पार्क है, पार्क में ले जाते हैं इनको, और थोड़ा खाने के बाद इनको घुमाना चाहिए। और घुमा के देखिए टप्पू अभी वेट कर रहा है कि छोटा भाई आ रहा है करके। इसका छोटा भाई है टप्पू का, ये रोमी है दोस्तों इसका नाम। और ये टप्पू को यहाँ पे लगता है सांप दिख रहा है गड्ढे के अंदर,
सांप की खोज में है और इसी के साथ दोनों को घुमा के अभी हम ले जाएंगे अपने घर और घर के अंदर इनको रखेंगे थोड़ी देर। देखिए आनंद ले रहा है दोस्तों बाहर का ये, और बाहर इनको काफ़ी मज़ा आता है डॉग्स को घुमाने के लिए, घूमना इनको काफ़ी पसंद होता है। कोई भी डॉग हो उनको घूमना काफ़ी पसंद होता है दोस्तों। नहीं, अब इनको घुमा के ले जाते हैं दोस्तों थोड़ी देर में घर। अभी जा रहे हैं घर को और यहाँ पे सामने खड़ी है जूली जो कि काफ़ी अब इसको एनर्जी आ गई मटन खा के, अभी दिखाएगी अपना रिएक्शन। देखिए देखो दोस्तों इसका रिएक्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, और आपको मिलते हैं किसी नए ब्लॉग पे। तब तक धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखें।